मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज वोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज वोमेंट हिंदी में। नमस्कार। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रविवार की दोपहर जामुड़िया थाना अंतर्गत बिनाली मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत तथा एक महिला गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे किया जाम। रविवार की दोपहर जामुड़िया थाना अंतर्गत बिनाली मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत तथा एक महिला गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे किया जाम। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय PSJ TVS आसनसोल प्ले स्मार्ट प्ले अपिक। सड़क जाम कर रहे लोगों ने यह आरोप लगाया है कि ट्रैफिक को लेकर यहां लापरवाही बरती जा रही है। बार बार यहां पर सावधानी बरतने को कहा गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इस हादसे में जिसकी मौत हुई उसके परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। बताया जा रहा है कि मृतक संभवतः झारखंड निवासी था, उसके साथ एक महिला भी थी जो हादसे में घायल हो गई है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहाँ दोनों सड़क पार कर रहे थे, उसी दौरान तेज गति से चार पहिया वाहन उन्हें धक्का मारते हुए भाग गई। इस हादसे में पुरुष की मौत हो गई और महिला बुरी तरह से जख्मी है। वह झारखंड के जामताड़ा जिले के नाला निवासी बताए जा रहे हैं और उनकी पहचान नहीं हुई है। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेनबो ड्रेसेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ किड्स वियर, बस्तीन बाजार मोड़, GT रोड, आसनसोल। रेनबो बिग शॉप, ऑल वेराइटीज ऑफ लेडीज वियर, मेन्स वियर एंड सूट पीसेस आर ऑल्सो अवेलेबल। बस्तीन बाजार, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर 03-41-222-1590। रेनबो बिग शॉप। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर आसनसोल फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा चेशायर होम में सापेक्ष वस्त्रदान। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर, एडमिशन ओपन। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर पर आसनसोल फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा उनके कार्यक्रम सापेक्ष के तहत सापेक्ष वस्त्र दान का आयोजन रामबन चेशायर होम बर्णपुर में आयोजित किया गया। फाउंडेशन पिछले कुछ महीने से सापेक्ष वस्त्र दान के इस कार्यक्रम को चला रहा है जिसमें वे अपने सदस्यों और आम जनता से अच्छी स्थिति में अप्रयुक्त और पुराने कपड़े एकत्र कर रहे हैं और बदले में वे अपने दाताओं को एक छोटे पौधे और एक प्रमाण पत्र से सम्मानित करते हैं। फिर इस फाउंडेशन के कुछ सदस्य इकट्ठा किए हुए कपड़े को ज़रूरतमंद तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन के छात्र के बीच स्कूल बैग, कपड़ा, सूट, साड़ी, नाइट सूट आदि, पूर्ण कोविड देखभाल किट, सैनिटाइजर, मास्क, एंटीसेप्टिक लोशन, फेनाइल, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कैन, दस्ताने आदि, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग साबुन, नहाने का साबुन, शैम्पू, बिस्किट मिश्रण, टूथपेस्ट, स्टेशनरी पैड आदि वितरण किया गया। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वियर के एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वियर। महिलाओं का पसंदीदा शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वियर। नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वियर। और रेडीमेड ड्रेसों का संभार,
सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाए इसराइल के कलेक्शन अपना इसराइल अ हाउस ऑफ फैंसी लीजवेयर बस्तीन बाजार रोड आसनसोल कॉल 760-292। कोयला लादेन कारों में वैध पेपर नहीं है तो यह कुछ भी नहीं। पुलिस ने इस समय राज्य में अवैध कोयला सौदा सिखाया है। अधिकांश वैध कोयला उत्पादन ईसीएल और बीसीसीएल के हाथों में है। नतीजा जनत राज्य में विकसित विभिन्न औद्योगिक कहानियों की एक छोटी कॉलम ने कोयले की आपूर्ति को ईंधन के रूप में बनाए रखने के लिए विन किन की ओर हाथों में वृद्धि की। इस तरह विन राज्य में कोयले की भारत कार बंगला झारखंड सीमा के दिव्यूर दिज्जी चेक के पद में विन राज्य द्वारा बढ़े, लेकिन सीमा क्षेत्र में पुलिस ने नाका चेक इन पॉइंट में पुलिस कारों का एक वैध पेपर टेस्ट शिविर बनाया। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society, affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. न्यूज मोमेंट के कार्यालय में आज प्रेस आईडी जारी की गई। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में न्यूज मोमेंट के मुख्य सलाहकार एसएम हाशमी, मोमेंट उत्सव कमेटी के अध्यक्ष श्री हरजीत सिंह, एसएम मुस्तफा, वार्ड नंबर 25 के काउंसिलर श्री विकास प्रसाद, न्यूज मोमेंट के कार्यकारी संपादक श्री रोहित मोहनका, न्यूज मोमेंट के एसोसिएट एडिटर वीरेंद्र प्रसाद सिंह, न्यूज़ मोमेंट के एसोसिएट एडिटर सीताराम, स्टाफ फोटोग्राफर मोहम्मद खालिद उजैर, वशीम खान, सुजीत सिंह गुप्ता, ट्विंकल बर्नवाल, प्रियंका चटर्जी, महेश अग्रवाल, प्रदीप सिंह, यश शराफ आदि कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कंप्लीट Yourself with Salika. Salika Collection. Wholesaler and retailer of salwar suit pieces, lehenga, garara. Contact Salika Collection in Bastin Bazar, Asansol 1. Contact number 8509-608-588. रहमत नगर हाई स्कूल के सीनियर टीचर इम्तियाज अहमद रशीद ने पेश की नज़्म, आइए इन्हें सुनते हैं। मेरा प्यारा वतन कितना पाता हर तरफ रंग है हर कदम जमीन पे गुलिस्तान है ये बुलंदी है माला की एक शान है धर्म वालों का पाती जासुखान है मिसल जन्नत है कश्मीर का ये चमन मेरा प्यारा वतन सिख है ईसाई हिंदू मुसलमान है
सिकरी ईसाई हिंदू मुसलमान है, हाँ मगर सबसे पहले हम इंसान हैं। सच तो ये है कि भारत की संतान है, इसकी अजमत पे हम लोग कुर्बान हैं। झूमते हैं मसरत से सब मौसम, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन। एकता और एकता और कुव्वत की ये सरजमी, झुकती है इसके आगे हमारी जमीन। सारी दुनिया में है किस कदर ये हंसी, और बुलंदी पे है आज मसनद नशीन। सीम तन सीम रुख दिल रुबा गुरबतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन। मुल्क में अपने मिलजुल के रहने नाती है, सारे सुख दुख हमें मिल के सहना भी है। साथ जीना भी है और साथ मरना भी है, और यही राज अब सबसे कहना भी है। मुल्क लब पे रखिए हमेशा ये मीठे सुखन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। यहाँ रोहित मोहनका ने भी अपने विचार साझा किए और अपने इस न्यूज मोमेंट के परिवार में इन लोग से ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। मेरा यही बोलना रहेगा, सर बहुत सीनियर है, काफ़ी दिन से हम लोग जानते हैं, तो आगे भी हम लोग मिलते रहे और किस तरह हम लोग इस संस्था को थोड़ा भी आगे ले जा पाए, थोड़े भी हम लोगों के बीच में पहुंच पाए, चाहे वो समाज सेवा से हो, बच्चों का उत्थान से हो, बच्चों का एजुकेशन से हो, कहीं भी हम लोग को पहुंचना है। और उसके लिए महदूद जी जैसा एक अधर्मी चाहिए और एक सोच चाहिए। बाकी आप लोग सबका सहयोग है, आप लोग सबका सहयोग का हम आकांक्षा करते हैं। और इस साल जो हम लोग फिर से हम लोग जो नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं मोमेंट उत्सव, शायद ये 13वां संस्करण होगा, तो वो हम लोग सफलतापूर्वक कर पाए, इसका मेरा शुभकामना और आप लोग से आशीर्वाद चाहता हूँ। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहां उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विद प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विद प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग, अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास घागरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घागरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टेक्ट
आसनसोल नगर निगम के काउंसिलर 25 नंबर वार्ड के काउंसिलर श्री एस एम मुस्तफा ने मीडिया पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। दिखाता है तभी लोगों तक सच पहुंच पाता है, आप देख पाता है। आप जो दिखाएंगे उन लोगों तक पहुंच पाएगा। आप अगर सच नहीं दिखाएंगे, आप अगर अच्छी चीज नहीं बताएंगे तो कहीं कहीं समाज गुमराही का शिकार होगा और उसको सच मान बैठेगा। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग सत्य का ही रास्ता में रहें, क्योंकि सत्य बड़ी कड़वा होता है और आखिर में जीत सत्य का ही होता है, सच्चाई का ही जीत होता है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग निर्भीक ही बने, बन करके रहे, ताकि कहीं कुछ रहे ना रहे, कम से कम ईमानदार का तंगा रहे और ईमानदार का लेवल रहे। और मीडिया की लाश को इज्जत को बचाना आप सबों का काम है। जो मीडिया का पीछे में अभी एक सही जेल लग जा रहा है कि फलाना का मीडिया, फलाना का मीडिया, जिससे आप बचेंगे, ताकि लोगों तक एक अच्छा पैगाम, एक सही पैगाम जाएगा। चाहे मीडिया, मीडिया का समाज में बहुत अहम रोल होता है। अगर किसी जगह पर कोई छोटा सा भी मामला हो जाए, मीडिया उसको इस तरीके से दिखा देता है जिससे अगर उस शहर में फसाद बर्पा हो गया। मीडिया किसी चीज़ को इस ढंग से दिखा देता है, किसी प्रोग्राम को लगता है वो प्रोग्राम बहुत जानदार है। मीडिया ऐसा दिखा देता है किसी प्रोग्राम को वो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, मगर मीडिया अगर दिखा देता है तो वो प्रोग्राम फेलियर है। ये मीडिया का ही देन है, मीडिया का ही माध्यम से लोगों तक मैसेज रीच करता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सच दिखाइए, सच दिखाइए, सच ही सबका जीत है। यही बोलते हैं, बात को खत्म करने का सवाल। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SBKY रोड में। आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन के महासचिव और मोमेंट उत्सव कमेटी के अध्यक्ष श्री हरजीत सिंह ने मदद के लिए हाथ बढ़ाने का वादा करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। और मेरे सभी मीडिया के भाई, न्यूज मोमेंट के एडिटर हूँ जी भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि हम मेघदूत भाई से लगभग 25-30 वर्षों से जुड़े हुए और न्यूज मोमेंट के साथ कम से कम 10-12 साल जब से न्यूज मोमेंट स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। न्यूज मोमेंट जैसा कि उन्होंने मुस्तफा भाई ने बताया, न्यूज मोमेंट को हमें खासियत जरूर देखते हैं। न्यूज मोमेंट कोशिश करता है हमें समाज का सच्चाई को दिखाए, तो इसमें हम बहुत सा समाज का ही अच्छा और जो काम हुआ है उसके बारे में या समाज के सामने क्या होना चाहिए उस आईने को देखे हैं। उसमें झूठ और इसका बहुत ऐसा हम कुछ नहीं लेके आते और हम आशा करेंगे कि इस चीज़ को ये मेंटेन करें। बहुत ज़्यादा बहुत से लोगों के साथ पॉलिटिक्स में कभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी हुआ करते थे मेरे भाई, उसके बावजूद भी ये कभी भेदभाव और बिना राजनीति के सभी लोगों के साथ रहते। हम लोगों की राजनीतिक विचारधारा भी अलग अलग थी, ये अलग विचारधारा में थे, हम लोग अलग विचारधारा में थे, लेकिन फिर भी एक दोस्ती और एक जगह जहाँ हम लोग अपने आप को सोशल कामों में इन्वॉल्व करते थे उस जगह हम लोग एक दूसरे के साथ थे, विचार मिलते थे और एक साथ मिलकर काम करते थे। यहाँ न्यूज़ मूवमेंट पिछले कई सालों से लगातार, विशेषकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे छोटी छोटी बच्चियों के प्रोग्राम करते हैं जिसमें स्पोर्ट्स का साइकिलिंग हो, कविता हो, शायरी हो या क्विज का प्रोग्राम, ये सभी प्रोग्राम न्यूज मूवमेंट बहुत ही अच्छे ढंग से करता और अच्छा करता है। पिछले 2 साल से हम लोग कोविड के प्रकोप के कारण ये नहीं कर पाए, पहली बात हो रही थी भैया से कि हम लोग इस बार नहीं करना ढंग से करिए। हम समझते हैं कि इसमें जो भी सहयोग होगा तन मन धन का, हम हर तरह से आप लोगों के साथ थे हैं और आगे भी रहेंगे।
इस प्रोग्राम के जरिए कम से कम यूथ मूवमेंट के माध्यम से हम लोग अपने समाज के बच्चियों को स्तर को ऊँचा ले जा सकते हैं, दिखा सकते हैं, उनका टैलेंट को सामने ला सकते हैं। वो शायरी के माध्यम से हो, कविता के माध्यम से हो, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से हो, खेलकूद के माध्यम से हो, इसका बढ़ावा देना हम लोगों को बहुत जरूरी है। और आज के समाज में, आज के समय में ये अपने आप में बहुत महान काम है। और मैं चाहूँगा यूथ मूवमेंट इस काम को लगातार करे, आगे बढ़ाए और हम लोगों का पूरा सहयोग एकदम मेजर भाई को है, यूथ मूवमेंट को है। यही जन सबके साथ सभी को अपने नमस्कार करते हुए अपने बस्ती से काम करता हूँ। धन्यवाद। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस क्लास 8 to 10, क्लास 11 and 12, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ग्रेजुएशन ऑनर्स एंड प्रोग्राम। वी ऑल्सो प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस लाइक SSC, रेल, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. श्री जय प्रकाश नारायण सभी से न्यूज़ मोमेंट को बचाने की अपील की है। अब चल करके गोगो में जाकर के ट्रेन पकड़ो, आप आसनसोल को मत देखो। आसनसोल जब बनवाई लाल भारत क्या काम है, मैं स्कूल नहीं देखते हो गए क्या, मतलब उसको खाले जो है क्या नाम है, बीबी कॉलेज, बीबी कॉलेज वो मारवाड़ी था पर अब क्रांतिकारियों को छुपा के, उसे सरोज मुखर्जी को छुपाया था। सरोज मुखर्जी उस समय कांग्रेस का था, क्रांतिकारी था, जो बाद में कम्युनिस्ट हुआ, उसे गणेश घोष को छुपाया था आसनसोल। अब डीसी कॉलेज जिसको देख रहे हो नहीं था यहाँ, आसनसोल बहुत पुराना है, आसनसोल को बचा लो, लेकिन आसनसोल तो सिर्फ एक पेपर रखा था और वर्ल्ड के बाद दो प्रोग्राम है, एक इसकी भाषा और दूसरा इसकी धन कमाओ। हमको लगता है भाषा मेकअप किया जा सकता है, ये विमान अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू और हिंदी में भी एक से निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी पैसे की जरूरत है। मैं आप सबों के लिए, आप सबों से समाज के बहुत नजदीक से देखा हूँ, सच कहता हूँ, मैं अपना बचपना बताता हूँ, मैं जब गाँव जाया करता था ना 1958, 59, 60 की बात बताता हूँ, मैं 63, 64 बोल के हायर सेकेंडरी में गया, तो मैं उस समय जब गाया करता था ना तो हमारे गांव में जो बेटियाँ जो हैं छोटी छोटी 7-8 बरस की बेटियाँ रहती थी, बेटे रहते थे 10 बरस के, वो टोकरी लेकर के गाय और भैंस के गोबर पीछे घूमता रहता था। गाय और भैंस कब अपना बीज करेगी, हगेगी, वो गोबर फेंकेगी तो उस गोबर को ले जा करके नदी में धोएंगे और धो के गेहूँ निकालेंगे, गेहूँ निकाल के अपनी माँ को देंगे, वो माँ सुखाएगी, दे देगी, रोटी बनाएगी। ये मैं प्रत्यक्ष दर्शी हूँ और आज आपको हवाई जहाज पर चढ़ना बड़ी खुशी है, और जाते जाते फिर भाई आदमी से कहूँ और आप सबों से कहूँगा, वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय डीके लाल सर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9832824975। और अंत में श्री SM हाशमी न्यूज मोमेंट के मुख्य सलाहकार ने व्यक्त किए अपने विचार। बहुत ही समाज सेवा शाही प्रकार प्रकार से सारे लोग अपने परिचित हैं। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ
इस कारण बस मुझे बहुत विलंब हो गया और लेकिन मैंने फोन भी किया लेकिन लोगों की कैसे इस बात का विलंब हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई भी विलंब हो आपको आना है, मैं तुरंत चला एक सीधा आपको। न्यूज मॉडल के बारे में आज जैसा वार्षिक ये समझिए कि कार्यक्रम होता है जिसमें प्रेस कार्ड और जो लोग नए हैं उनको प्रेस कार्ड दिया जाता है न्यूज मॉडल को चलाने के लिए। न्यूज मॉडल निश्चित रूप से दो ढाई साल में बहुत ही कठिन परिस्थिति में जो COVID-19 जो आप सुने बार बार लहर दो बार तीन बार तो इससे काफ़ी प्रभावित हुआ है और निश्चित रूप से आप सभी सब ठीक हैं इसका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मतलब के हैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप लोग जो है COVID-19 में भी आप लोगों ने बहुत ही परिश्रम किया कठिन परिश्रम किया और ये मूवमेंट चलाने के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं कि चैनल है चैनल भी है मैं देखता हूँ डेली देखता हूँ हिंदी बंगला इंग्लिश ये अच्छी चीज़ है यूट्यूब में चल रहा है हमें कुछ और फैलना अब इसके बारे में हम लोग बैठ करके कोशिश किए हैं और वातावरण भी सही है ऐसे तो कोविड गया नहीं है रोज सुनने में आ रहा है मोटर्स का काम है और बच्चियाँ लड़कियाँ जो हम देखा हूँ जब सॉफ्ट न्यूज पढ़ती है ठीक है कुछ और इम्प्रूवमेंट की उसमें आवश्यकता है और इसको इम्प्रूव करें आप लोग। इंग्लिश चैनल भी ठीक है बांग्ला भी ठीक है आपका हिंदी जो पढ़ रही है थोड़ा हिंदी में सुधार करना होगा क्योंकि मैंने देखा है आप लोगों को ठीक है शुरुआत है आप लोगों ने अच्छा कहीं गलतियाँ नहीं कहीं कहीं त्रुटियाँ होती है वो त्रुटियाँ को दूर करना है। इसी शब्दों के साथ हम सब आप लोग जो इंतजार कर रहे थे सबों का धन्यवाद देता हूँ कि आप वहाँ उपस्थित हुए और नए प्रेस जन भी आए हैं कुछ प्रेस से जुड़े हैं रिपोर्टर हैं या जो भी मैनेजमेंट के सदस्य हों उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा नहीं समय लूँगा क्योंकि खुद भी आप लोग बहुत इंतजार किए बहुत बैठे बहुत देर से बैठे हैं। इसी शब्दों के साथ मैं एक दिन जिसे अनुरोध करूँगा कि आप आगे की कार्रवाई जारी रखें। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।